केंद्र के गैरसा गांव में खेत किनारे करंट से हाथी की मौत हो जाने के मामले पर वन विभाग ने 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें विद्युत विभाग के 3 कर्मचारी जय राजेंद्र कुजूर, लाइनमैन नरेश द्विवेदी, सहायक लाइनमैन राजेंद्र महंत सहित 2 ग्रामीण, खेत मालिक भादोराम और बाल सिंह पर कार्रवाई की गई है। देर रात वन अधिनियम के तहत इन 5 पर मामला दर्ज हुआ और दोनों खेत मालिक जेल भेज दिए गए हैं, जिसमें शेष 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि किनारे खेत के बोहर पंप के करंट लग जाने पर नर हाथी की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर पहुंचे बिलासपुर CCF और धर्मजयगढ़ वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने मौके पर पहुंचकर ट्यूबवेल के तार को जब्त कर लिया था। मीटर दूर से तार खींचा हुआ पाया गया था और उसी से ये डेथ हुई है। रात में यहाँ पे हाथियों का दल था, करीब 26-27 हाथी थे और यहाँ जो कटहल की फसल लगी हुई इसी के उसमें आए हुए थे और उसी में हाथी की डेथ इलेक्ट्रिक कार्रवाई कर रहे हैं, प्रॉम्प्टली कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है, 2 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और भी 1-2 गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और संभवतः शाम तक कोर्ट की कार्रवाई। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में